बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुज़्ज़त रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज 1 अप्रैल तो नहीं, 2 अप्रैल, बट 2 अशरा रमज़ान का शुरू हो गया। हम बड़े मान से, बड़े दावे से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम बड़े मान और बड़े दावे से कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं। तो एक और वर्ड बहुत गलत, आई मीन बीइंग पाकिस्तानी लोग यूज़ करते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ द एग्जैक्ट वर्ड, बट वी आर ऑलवेज थिंकिंग कि हम तो बख्शे ही जाएंगे। बट उस कौम की वो कहाँ से बख्शी जाएगी? आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वॉज लाइक मे बी 7 to 8 बिटवीन, एक ग्रुप में मैंने एक मैसेज देखा, हबरे गम। और जो बाकायदा उसमें जिस वजह से खबर दी हुई थी, मैं वो बोलूँगी नहीं, लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि रीज़न याद थी है कि कारी वही ज़फ़र कासमी, जो बहुत मासूम, बहुत स्वीट सी हैं और बहुत एक कहना चाहिए ना कि एक वो इंसान की जिनको मैंने बचपन से देखा कि वो बच्चों को पहले क्लास स्टूडेंट्स होते थे, 3 side 1 student, 3 side 1 student, और वो कुरान की तलावत करते थे। वो मासूम, वो इनोसेंट बंदा कि जिनके मुंह से मैंने कभी कोई हार्श, कभी कोई ऐसा ड्यूल वर्ड नहीं सुना कि जिससे कहा जाएगा कि जी किसी की दिल आज़ारी हुई। जैसा बाकी अगर हम बहुत सारे स्कॉलर्स तो नहीं कह सकते, बट जो लेक्चर्स दे रहे थे हमारे टीवी पे भी, सम टाइम किसी ना किसी की कोई ड्यूल पर्सनैलिटी हो जाती है, कोई ड्यूल बात हो जाती है। बट ही इज़ द पर्सन कि जिनको मैंने हमेशा बचपन से बहुत कूल, बहुत हम्बल और बहुत डिसेंट पर्सन देखा। सेकेंड पॉइंट आता है कि मैंने एक और चीज़ जो एनालिसिस की उनकी, कि उनकी नात में बहुत अच्छे वर्ड, बहुत समटाइम दिल के करीब वर्ड होते थे। और मुझे अभी भी पता है कि मामा जब लाइक इवन इन जब उनको ऑक्सीजन भी लगती थी और रात को उनको 12, 12:30 या टेनिकोस्ट लगनी होती थी, बट जब शब बरात, शब कदर का होता था, शब मेराज का, तो मामा वॉज लाइक द पर्सन कि वो मुझे कहती थी कि नहीं बेटा आज नहीं लगानी। और वो मुझे लगता था कि जैसे जैसा एक बच्चा रिक्वेस्ट नहीं करता कि नहीं मामा आज स्कूल नहीं जाना या समथिंग लाइक, तो मामा मुझे उस वक्त बहुत इनोसेंट, बहुत मासूम, बहुत प्यारी लगती थी कि नहीं मैंने कारी वही सफ़र की नात ज़रूर सुननी है। और वो चाहे रात को 1 o'clock होती थी, चाहे 1:20, 2 o'clock तक, शी वॉज लाइक द वेटिंग कि ओके फाइन मैंने वो सुन के सोनी है। आज जब सुबह मैंने ग्रुप में देखा कि कारी वही सफ़र को लेके किसी ने लिखा कि जी कारी वही सफ़र साहब की कैनेडा में गजाए लाही से इंतकाल फरमा गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहली बात तो लिटरली मेरा खुद के ऑफकोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम कारी साहब को अभी भी राइट नो इस रमज़ान में भी, 2023 के रमज़ान में भी, सहर और इफ्तार में, शान रमज़ान में ARY पे देख रहे हैं, जो कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा कि वो जो है प्रोग्राम वो कराची में होता है। दूसरा ये बात थी कि कारी साहब लाइक अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले वही चीज़ आती है कि न्यूज़ और सब चीज़ों में। मैंने उन मोहतरमा ने जिन्होंने मैसेज पोस्ट किया था, मैंने उसको पहले गूगल किया और जो वहाँ गूगल पे आया था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ अलाइव, वो ये सब झूठ है, ह्यूमर है, तो मैंने वहाँ ग्रुप में पोस्ट किया। मेरा पॉइंट कहने का सिर्फ ये है कि हम कहाँ के मुसलमान हैं। हम एक बंदे को, जिस तरह उमर शरीफ साहब के मतलब भी इस तरह की बात हुई थी कि मामा की अगस्त की बात है कि मामा 22 अगस्त 2021 में मामा की हुई, उसके बाद हमारे घर में दुआ के लिए सब लोग आते, और आई स्टिल रिमेंबर कि एक दुआ एक संडे को सब लोग आए हुए थे, तो सडनली ट्विटर पे हुआ कि जी उमर शरीफ साहब की संजीद हो गई है डेथ। तो तब भी मुझे बहुत बुरा लगा कि एकदम हम और हमारे पाकिस्तानी खवातीन तो प्लीज़ इतनी इमोशनल है ना, इतनी इमोशनल है, ठक धड़ाधड़ वो मैसेज शुरू हो गए, एक दूसरे को कहा, फिर फलां को कहा, ये कहा, ख़त्म। आज भी उस ग्रुप में भी यही बात हुई। देखिए आप लोग माशाल्लाह से अगर सब वहाँ पे मैरिड नहीं हैं तो कोई ना कोई ऑफकोर्स फैमिली ओरिएंटेड पर्सन तो है ना। आप सब लोग ये सोचें कि अगर आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके पेरेंट्स से रिलेटेड, आपके अपने बच्चे से रिलेटेड कोई ऐसे एकदम न्यूज़ थे और वो गलत हो, तो क्या आप उसका गला नहीं दबा देंगे? क्या आप उसको
कि आप मलामत नहीं करेंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा हम इट्स माई रियली हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा ना अपने जज्बात, थोड़ा सा अपनी ना फीलिंग्स। आई टोटली एग्री कि आप लोग बहुत इमोशनल हैं आप लोग, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी खवातीन और मर्द क्या करेक्टर असैसिनेशन, ठग एक औरत ने मतलब कोई बात की फौरन वैसे फैलती है जैसे जंगल में आग की तरह। अब आप लोगों ने ये काम भी शुरू कर दिए कि गलत ह्यूमर को आप लोगों ने, देखें जिसने ये पोस्ट बनाई उसने तो जो किया सो किया, लेकिन कम से कम कोई न्यूज़ कोई खबर देने से पहले एटलीस्ट आप कंफर्म कर लें कि क्या ये ट्रू है। आप सोचें ज़रा कि एक मैंने ये इस बात इसलिए की है कि देखें नॉर्मली हमें कहा जाता है कि जी आप लोग गुस्से वाले हैं, आप लोगों को जिस तरह कह दिया तभी किसी ने गलत बात आपके मतलब कह दी होगी, आप लोग गुस्से से बात कर देते हैं। बट एक वो बंदा, एक वो हम्बल पर्सन कि जिसको मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के अगेंस्ट किसी के, वो हमेशा लाइक मामा जैसा मुझे उनका थोड़ा सा नेचर बिहेवियर लगते कि जब भी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वसीम भाई आप बताएं आप कैसे हैं, जुनेद जमशेद जब थे तो जुनेद भाई आप बताएं आप कैसे हैं, बहुत हम्बल बहुत कूल और बहुत पोलाइट मैनर से। तो कम अज़ कम प्लीज़ आप लोग न्यूज़ ऐसी, और वो भी देखें हमारा पहला अशरा ख़त्म हो गया, दूसरा अशरा जिसको हम इस्तग़फ़ार का अशरा कहते हैं उसमें हमारा डे का स्टार्ट ही किस बात से हुआ, एक झूठी खबर से। थोड़ा सा अपनी इमोशंस अपने बिहेवियर को कंट्रोल रखने के लिए इट्स रियली हम्बल रिक्वेस्ट कि सारी खवातीन बहुत समझदार बहुत अक्लमंद होती हैं, बट थोड़ा सा अपने जज्बात को अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके पहले कन्फर्म कर लें कि क्या वो न्यूज़ कन्फर्म है। बींग एज आई एम ऑलवेज सेइंग आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे कोलीग की तब बाबा भी मेरे थे, मुझे ग्रुप में मैंने एक मैसेज देखा कि एक हमारे कोलीग की उनकी डेथ का था बट नाम उनका एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ था। वन ऑफ माई सीनियर पर्सन ही कॉल्ड मी एंड ही आस्क्ड मी अबाउट कि नुज़त क्या ऐसा है, तो आई सेड नो मेरे हाथ से गलत होगा क्योंकि उन्होंने नाम गलत लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम भी अपने तौर पर चेक करो मैं भी चेक करता हूँ। हम लोगों ने कन्फर्म करके आई मीन ना सिर्फ उनके सीनियर्स जो, क्योंकि वो दूसरे डिपार्टमेंट के थे, उस डिपार्टमेंट के जो सीनियर थे HODs थे उनसे कन्फर्म किया, फिर उनकी फैमिली से कन्फर्म किया कि क्या ये बात ठीक है, फिर जो उनके 500 लोग थे यानी वो अगर ऑफिस में थे उन लोगों से कन्फर्म किया कि क्या इस बात में कोई रियलिटी है। इवन वो संडे का ही दिन था, संडे को अगर हम लोग ऑफिस में उस वक्त नहीं थे तो हम लोगों ने फिर भी इस चीज़ को वेरीफाई किया कि नहीं कि क्या वो ऑफिस में ऑफिस के काम से गए थे, तो क्या ये रियलिटी है कि वो ऑफिस में थे, ऑफिस में उनकी तबीयत खराब हुई कहाँ हुई। तो आप खवातीन प्लीज़ थोड़ी सी अपनी अक्ल इस्तेमाल करें ऐसी बात फैला के, क्योंकि रीज़न ये आती है इस प्रोग्राम को करने का पर्पज़ ये है कि जब हम किसी पर बात करते हैं ना ये एक उंगली हम अगले पर उठाते हैं, चार उंगलियाँ हमारी तरफ होती हैं लेकिन चार उंगलियाँ वो हमें फील नहीं होती। अगर यही बात आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई गलत न्यूज़ दे दे तो क्या आप उसका सर फोड़ने को नहीं तैयार हो जाएंगे, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? लेकिन प्लीज़ आप कितने आराम से खबर फैला के और आप सुकून से बैठ जाते हैं और उसमें आपको शर्मिंदगी भी नहीं होती है। तो प्लीज़ इट्स रियली हम्बल रिक्वेस्ट कि अपने जज्बात अपने बिहेवियर को थोड़ा सा हमें ना कंट्रोल रख के मैनेज करके चलना है। थैंक यू सो मच।